हिसार में जींद रोड पर केमिकल से भरे टैंकर के कैबिन में अचानक आग लगने से टैंकर चालक की मौत हो गई। आगे जा रहे एक ट्रक से टैंकर की टक्कर होने से कैबिन नीचे गिर गया। वह नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई। टैंकर चालक कैबिन से बाहर निकलने में असफल रहा, जिसके कारण उसे बचाया नहीं जा सका। गनीमत रहे कि आग टैंकर तक नहीं पहुंची। पानीपत की रिफाइनरी से केमिकल से भरा टैंकर गुजरात से वडोदरा में जा रहा था। टैंकर को राजस्थान के बाड़मेर जिला निवासी ढेड़ा राम चला रहा था। जैसे ही वह हांसी जींद रोड पर हांसी के बाईपास पर पहुंचा तो टैंकर की टक्कर आगे जा रहे एक ट्रक से हो गई। टक्कर से टैंकर की कैबिन नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई। चालक ने बाहर निकलने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा। चालक ने चीखने की मदद की गुहार लगाई। आसपास के लोगों ने चालक को बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन आग लगने के कारण उसे बाहर निकाला नहीं जा सका, जिसके चलते उसकी जलकर मौत हो गई। सर, मेरे पास से 2 काल 10 इक्यानवे में सही हुई थी। एक गाना इसकी डाणी केंदू की, उसके बाद जमावड़ी की थी, फिर एक गगनखेड़ी की थी। मैं अपनी गाड़ी को लेकर गगनखेड़ी से वापस आ रहा था। मेरे पास सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कोई ट्रक तेल का भरा हुआ है और जींद की तरफ से हांसी की तरफ जा रहा था। उसके आगे कोई एक ट्रक और था जो अपनी गाड़ी को लापरवाही चला रहा था और उसके जब उसने साइड ली तो उस टंकर उसकी गाड़ी के पीछे से जल गया। उसके कैबिन में एकदम आग लग गई और आग लगने से उसके अंदर पता लग गया कि एक जो ड्राइवर था वो उसके अंदर ही जल गया। तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड ने मौके पर आगे ने तुरंत उसको आग को बुझाया और पूरी टंकर में भरे हुए तेल को आग लगने से बचाया गया। पूरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से इस बड़ी घटना को होने से रोका गया। एक ही बंदा था इसमें? हाँ, अभी अब तक हमारी जांच के अनुसार या सूचना के अनुसार एक ही बंदा पता लग गया कि इसमें एक ही ड्राइवर था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।